चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। नाराय तस्वीर अल्लाह अकबर, नाराय रिसाला या रसूल अल्लाह। सबको मिलने दो भाई, थोड़ा मिले वाला भाड़ा भाई, दुआ की दरख्वास्त कर ले भाई, मिले साले भाड़ा भाई। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे आपने देखा कि शहाब चित्तूर पैदल हज के लिए निकले और काफ़ी दुनिया में मकबूलियत हासिल हुई, लिहाजा शहाब चित्तूर के बाद अब नौशाद पुत्तूर, ये पुत्तूर से निकले हैं, मैंगलोर से, और वो पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं। सबसे पहले नौशाद भाई, आपको मुबारकबाद इस मुकद्दस सफ़र के लिए। लिहाजा आपके दिल में यह ख्वाहिश कब हुई? ये अस्सलामुअलैकुम, ये मेरे को 2 साल का पहले था, मेरे को वीज़ा नहीं मिला, बोल को मैं अजमेर को पैदल गया था, उसके बाद शियाब भाई गए थे ना, उसके बाद वीज़ा मिल रहा है, बोल को मैं एम्बेसी में जाकर तो पूरा सर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा नहीं मिल रहा है, और मेरे को पूरा बताया। इसके बाद मैं पाकिस्तान रूट में नहीं जा रहा है, अलग रूट में ले को अल्हम्दुलिल्लाह अभी पैदल आज को 26 डेज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेलगाम तक पहुँचा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से अल्लाह का दुआ में, अब आदमी लोग का पूरा दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम तक पहुँचा है। नहीं, जैसा अभी लोगों के अंदर एक शहाब का एक क्रेज़ है, तो ये शहाब को देखकर क्या आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आया, ऐसा भी बात कर? नहीं, वैसे क्या अभी नहीं हुआ, हम लोग आदमी लोग को देख नहीं, हम लोग पहले नियत था, बाद में मेरा माँ भी बोला था हज को मक्का को पैदल जाना करके, उसका तरफ से मैं पहले नियत था किसी का आदमी लोग को सपोर्ट कर को, वैसे नहीं है क्यों आदमी लोग सपोर्ट कर रहे हैं नबी के ऊपर, ये क्या नबी के ऊपर दिल में नबी के ऊपर प्यार से मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ऊपर किसी का भी प्यार नहीं है, पर मेरे नबी का मक्का के ऊपर प्यार से, अल्लाह के ऊपर प्यार से मेरे ऊपर आको सपोर्ट कर रहा है, मेरे पास दुआ करने बोल रहा है उतने। नहीं, क्योंकि उमूमन देखा गया कि जी आप चतुर के बाद कई सारे लोग पैदल जाने के लिए निकले, तो ये भी एक बात आ रही है कि इस तरह से, लेकिन आपने बात को वाज़े किया कि आप किसी से इंस्पिरेशन नहीं, आपके 2 साल पहले आपके दिल में था, लिहाजा हम सभी की जानिब से आपका ये सफ़र का रास्ता किस तरह से होगा, ये बेलगाम होकर आगे कैसे जाए? बेलगाम आगे नेक्स्ट कोल्हापुर, कोल्हापुर से पुणे, पुणे से मुंबई, मुंबई से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। नहीं, ईरान, इराक, कुवैत, वहाँ का वीज़ा का वगैरह तमाम? अभी वो वीज़ा 3 महीने का वीज़ा मिलता है, मैं इंडिया में 5 महीना है अभी, ले तो एक्सपायर डेट होता है, इसलिए दिल्ली को जाकर ही लेना पड़ेगा वीज़ा। सऊदी का वीज़ा इधर एग्जिट होने के टाइम स्टैंपिंग मार्क 1 ईयर का वीज़ा आता है, इसलिए सऊदी का वीज़ा इंडिया में लेकर जा रहा है, बाकी वीज़ा पूरा वो ये कंट्री पास होने के टाइम हम लोग वीज़ा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके सफ़र को कामयाब करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मिलो। मिले सर बाहर आओ, मिले सर बाहर आओ, जुमा को लेट हो रहे। नौशाद बीकेएस पुत्तूर मंगलूर से चलते हुए बेलगाम होकर फिर आगे कोल्हापुर, पुणे, मुंबई की तरह वो हज के लिए रवाना हो रहे हैं, तो आज वो मक्का मस्जिद में आए हैं, आज जुमा की नमाज़ के लिए यहाँ पर, यहाँ खतीब व इमाम मौजूद हैं, यहाँ पर वो आए हुए हैं उस तालुक से।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बड़ी ख़ुशी की बात है कि आज जनाब नौशाद बी के एस पुत्तूर मंगलूर हज के लिए 2024 के हज के लिए चलते हुए यहाँ तक आए हैं। बड़ी ख़ुशी की बात है और बड़ी मुसर्रत की बात है। इस्लाम में शरीयत में भी चल कर के जाने पर बहुत सारी जो है इसके अंदर क्या कहते हैं सवाब भी आया है और इसके अंदर बरकत भी होती है। और असल हज तो पैदल ही चल कर के होना चाहिए और असल यही है, लेकिन यहाँ से दूर बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हर आदमी तो नहीं चल सकता, हिम्मत वाला चल सकता है। उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इन्होंने पैदल सफ़र करने का जो है अज़्म किया। अल्लाह ताला इनके अज़्म को पूरा फरमाए और पूरा फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। आज बड़ी खुशी की बात है कि नौशाद बी के एस जो पुत्तूर के रहने वाले मंगलूर ज़िले के, आज खुशी की बात है कि आज मक्का मस्जिद में आए हैं और अल्लाह इनको हिदायत दे और आसान करे इनका हज और कबूल फरमाए। यही कहते हुए मैं तमाम बेलगाम वालों को से तरफ से मैं इनका इस्तकबाल करता हूं और इनका हज आसान और कामयाब बनाए। शुक्रिया।